वेद, इनका फ्लिपकार्ट में प्लेसमेंट हुआ है। कट का एक ऑनलाइन कोडिंग राउंड था एंड उसके बाद 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज थे। फ्लिपकार्ट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पे काफी फोकस करता है, सो इंटरव्यू प्रोसेस के 90% इंटरव्यू क्वेश्चंस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पे थे। आज हमारे साथ है मयूर वैद, इनका फ्लिपकार्ट में प्लेसमेंट हुआ है, इसके साथ ही ये अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, और उसी रिलेटेड आज हम बात करेंगे कि फ्लिपकार्ट का इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। फ्लिपकार्ट इज द बिगेस्ट ड्रीम कंपनी राइट नाउ, टेक कंपनी जो सबसे ज्यादा पैकेज ऑफर करती है, फर्स्ट वीक में आती है, और फ्लिपकार्ट का इंटरव्यू प्रोसेस काफी रिग्रेस होता है। सो मयूर हमें पूरा फ्लिपकार्ट का इंटरव्यू प्रोसेस बताएंगे, कोडिंग राउंड बताएंगे और अपनी प्लेसमेंट स्ट्रेटजी बताएंगे। मयूर, कुड यू प्लीज टेल अस प्लेसमेंट प्रोसीजर ऑफ फ्लिपकार्ट, उनका मतलब क्या प्रोसेस क्या था, प्रोसीजर क्या था फ्लिपकार्ट का? सो फ्लिपकार्ट हमारे कैंपस में, फ्लिपकार्ट वॉज द सेकेंड कंपनी टू विजिट आर कैंपस, सो उसमें सभी बच्चों ने अप्लाई किया था। एंड फ्लिपकार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वॉज एन इनिशियल स्क्रीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ CGPA, एंड CGPA क्राइटेरिया 7 CGPA था। एंड आफ्टर दैट एक ऑनलाइन कोडिंग राउंड था एंड उसके बाद 3 राउंड ऑफ इंटरव्यूज थे। तीनों राउंड हमारे टेक्निकल इंटरव्यूज ही थे, सो फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में सारा फोकस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में था, एंड थर्ड राउंड पे फोकस वॉज ऑन द प्रोजेक्ट्स। ओके, सो फ्लिपकार्ट का कोडिंग राउंड का काफी मतलब है कि काफी टफ होता है, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, कोडिंग राउंड कैसा था फ्लिपकार्ट का? फ्लिपकार्ट के कोडिंग राउंड 1 घंटे का था एंड उसमें 3 क्वेश्चंस पूछे थे। तीनों क्वेश्चंस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पे थे, एंड फर्स्ट क्वेश्चन एरे का था, सेकंड क्वेश्चन स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम का था, एंड थर्ड क्वेश्चन काफी हार्ड क्वेश्चन था ऑन DP, सो थर्ड क्वेश्चन शायद ही कोई कर पाया होगा। तो जिसने भी 2 क्वेश्चंस फुल एंड थर्ड क्वेश्चन पार्शियल किया था, उन सबको इंटरव्यूज के लिए शॉर्टलिस्ट किया था। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन फुल एंड थर्ड क्वेश्चन वाज द पार्शियल, तो जिसने भी ये किया था वो सब इंटरव्यूज के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे। दोनों जो क्वेश्चन थे आपके, इन दोनों क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल क्या था जो आपने सॉल्व किए थे? तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं बोल सकता हूँ इट वॉज द इजी क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन मीडियम लेवल था एंड थर्ड क्वेश्चन वॉज वेरी हार्ड। एंड यू हैव टोल्ड अस कि फ्लिपकार्ट के 3 टेक्निकल राउंड हुए थे, सो तीनों राउंड में क्या डिफरेंस था और फर्स्ट राउंड आपका कैसा फेज था? आई थिंक ये आपका फर्स्ट या सेकेंड इंटरव्यू ही था, सो कैसा एक्सपीरियंस था? या सो फर्स्ट राउंड बेसिकली अराउंड 45 मिनट्स का था, जिसमें 3 क्वेश्चंस पूछे थे, एंड एक क्वेश्चन डब्ली लिंक लिस्ट का था, एक क्वेश्चन DQ का था, प्रायोरिटी क्यूज का था, एंड एक क्वेश्चन हमारा हैशिंग का था। सो काफी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स एक ही राउंड में पूछ लिए थे, तो तीनों क्वेश्चंस में सारे एल्गोरिथम्स डेटा स्ट्रक्चर्स मेजॉरिटी ऑफ देम उसकी नॉलेज लग रही थी। एंड 45 मिनट्स में बेसिकली हमें कोड तो नहीं करना था, बट पेपर पे ही हमें कोड लिखना था। तो हर क्वेश्चन का पहले अप्रोच बतानी थी, देन उसे ड्राई रन करना था एक टेस्ट केस के लिए, एंड आफ्टर ड्राई रनिंग उसका कोड लिखना था पेपर में, एंड देन इंटरव्यूअर के साथ उस पूरे कोड को एक बार गो थ्रू करना था। हाँ, तो पेन एंड पेपर के लिए हमारे पास कंपाइलर तो होता नहीं, सो ऑटो कंप्लीट फैसिलिटीज नहीं होती, सो हमें काफ़ी सारे जो डेटा स्ट्रक्चर थे जैसे स्टैक क्यूज के, प्रायोरिटी क्यूज के, ये सब इनबिल्ट कलेक्शन लाइब्रेरी जैसे जावा में या STL के फंक्शंस पता होने चाहिए, साथ ही कमेंट्स लिखना चाहिए पेपर पे जब भी हम कोड करते हैं, तो हर स्टेप का कमेंट लिखना चाहिए, आपका जो आपको स्टैंडर्ड्स होते हैं कोडिंग स्टैंडर्ड्स वो फॉलो करने चाहिए वाइल कोडिंग। तो कोडिंग राउंड के लिए अगर आपके पास स्पीड नहीं है एंड आप एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लेते हो, तो बेसिकली आप 2.5 क्वेश्चंस लाइक 2 फुल एंड थर्ड वाला पार्शियल वो सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है। सो सारा फोकस ऑन इज ऑन प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस की होगी, जितनी अच्छी आपकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, उतना आपको कोडिंग राउंड में फायदा होगा। और क्या आपने यही प्रैक्टिस इंटरव्यू के लिए भी की थी, मतलब कि क्वेश्चन बोल बोल के करना क्योंकि लॉजिक बीच बीच में समझाने होते हैं आपको? यस, इंटरव्यू के लिए बेसिकली हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जो भी आपका जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी आप एल्गोरिथम सोच रहे हो, वो आपको बताना चाहिए इंटरव्यूअर को कि आप क्या सोच रहे हो, ताकि अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो आपका पूरा थॉट प्रोसेस इंटरव्यूअर को पता चल पाए एंड वो साथ में आपके साथ हेल्प भी कर पाए। सो इससे हेल्प होती है कि इंटरव्यूअर के साथ हम मिलके बिल्ड करते हैं सोल्यूशन, जो काफी अच्छा पॉजिटिव फ्लैग माना जाता है।
इंटरव्यूअर के इनपुट जो मिलते हैं वो भी बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। यस, इंटरव्यूअर से जो भी इनपुट्स मिलते हैं वो काफी बेनिफिशियल होते हैं। हमारे तरफ इंटरव्यूअर हिंट्स थ्रो कर रहा है, अगर हम उस हिंट्स को यूज करके अपना सोल्यूशन बना पा रहे हैं तो वो काफी अच्छा पॉजिटिव फ्लैग होता है। सो फर्स्ट राउंड के बाद आप सेकंड राउंड में गए, तो सेकंड राउंड में किस तरह के क्वेश्चन थे और डिफिकल्टी लेवल क्या सेम था या डिफरेंट हो गया था? तो सेकंड राउंड भी अराउंड 45 मिनट्स का ही था एंड उसमें दो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस थे एंड डिफिकल्टी लेवल इस बार काफी हाई हो गया था। तो फर्स्ट टाइम में क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं थे बट सेकंड राउंड के क्वेश्चंस हार्ड थे। सो एक क्वेश्चन हमारा बीएफएफ का था जो काफी रेयर क्वेश्चन है एंड अगर वो पहले प्रैक्टिस किया हो तो काफी आसानी होगी उसमें, बट अगर नहीं प्रैक्टिस किया तो काफी मुश्किल होगी उस सोल्यूशन को सोचना। सेकेंड क्वेश्चन हमारा ग्राफ्स का टोपोलॉजिकल सॉर्ट का क्वेश्चन था एंड टोपोलॉजिकल सॉर्ट भी इतना कॉमन एल्गोरिथम नहीं है तो सेकेंड क्वेश्चन भी हार्ड क्वेश्चन था। तो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, काफी क्वेश्चन की एल्गोरिथम्स की प्रैक्टिस की है सो आपको इसमें हेल्प होगी, बट अगर आपकी प्रैक्टिस ज्यादा नहीं है सो इसमें आपको काफी दिक्कत होगी सेकेंड राउंड में क्योंकि डिफिकल्टी लेवल काफी बढ़ गया था सेकेंड राउंड का। सो दोनों टेक्निकल राउंड में डेटा स्ट्रक्चर और कोडिंग ने बहुत मेजर प्ले पार्ट किया। फ्लिपकार्ट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स पे काफी फोकस करता है सो इंटरव्यू प्रोसेस के 90% इंटरव्यू क्वेश्चंस डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स भी थे। ऑनलाइन कोडिंग राउंड में भी सारे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस थे, राउंड वन राउंड टू में भी सारे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स थे। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स पे फ्लिपकार्ट का काफी मेन फोकस होता है। सो जब आप थर्ड राउंड में गए, आपके दो टफ बहुत ही हार्ड राउंड निकल गए, तो थर्ड राउंड मतलब उसका एक्सपीरियंस कैसा था? इट वाज टोटल टेक्निकल लाइक द प्रीवियस टू और इट वाज जस्ट लाइक अ टेक्निकल एप्टीट्यूड काइंड ऑफ? तो थर्ड राउंड फर्स्ट एंड सेकंड राउंड से काफी डिफरेंट था। थर्ड राउंड हम बोल सकते हैं कि इट वाज द मैनेजेरियल प्लस एचआर राउंड एंड थर्ड राउंड पे सारा फोकस प्रोजेक्ट्स पे था एंड आप इंटर्नशिप में आपने क्या प्रोजेक्ट किया है। अगर आपने इंटर्नशिप नहीं की है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने इंटर्नशिप नहीं की है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उस समय आपने अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में आपने क्या सीखा है, आपने अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज यूज की है एंड क्या क्या आइडियाज लगाए हैं बेसिकली, एंड आपने अपने पर्सनल प्रोजेक्ट में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया है, सो उस पर सारा फोकस था। फोकस वॉज ऑन दी प्रोजेक्ट्स और योर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस इंस्टेड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। So basically they want to know कि आपका previous experience कैसा था जिसमें आपने dedicatedly काम किया है, भले ही वो internship में हो या project में हो, और उसकी वो in-depth knowledge चाहते थे कि पता चल सके कि आपने कितना actual में काम किया है और क्या क्या problem face की है। Yes, exactly, वो चाहते थे कि आपने क्या क्या problems face की है, उन problems को आपने कैसे overcome किया है, उससे पता चलता है कि आपकी problem solving skills कैसी है एंड आपकी थिंकिंग एबिलिटी कैसी है एंड साथ ही आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी डीबीएमएस के क्वेश्चंस हो सकते हैं अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में डेटाबेस यूज किया है या कोई नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके प्रोजेक्ट में यूज हुआ है तो उस पर भी वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में यूज किया है तो उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट जो आपने प्रोजेक्ट में किया है वो आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूरी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि आपने क्या यूज किया है एंड क्या क्या टेक्नोलॉजीज लगाई है, कौन सी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की है। आप अगर वेब डेवलपमेंट पे आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो आपको अपने पूरे आर्किटेक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि आपके वेबसाइट का आर्किटेक्चर क्या है। सो ये आपने अगर कोई डेटाबेस यूज किया है तो उस डेटाबेस का क्या स्कीमा आपने बनाया है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपको 100% पता होना चाहिए। ओके, सो सबसे मेन चीज जो शायद सब जानना चाहते हैं कि फ्लिपकार्ट जैसी ह्यूज पैकेज वाली कंपनी को क्रैक करने के लिए प्लेसमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? हाउ वाज योर प्लेसमेंट स्ट्रेटजी? ओके, सो मैंने प्लेसमेंट प्रिपरेशन 2 महीने पहले ही स्टार्ट की थी मेरे प्लेसमेंट सीजन से पहले। सो बेसिकली माय होल फोकस वाज ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स एंड सेकंड फोकस वाज ऑन इम्प्रूविंग माय इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स एंड माय कोडिंग स्पीड। तो मैंने सारा फोकस अपना डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स पे किया एंड अपनी कोडिंग स्पीड इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश की एंड मैंने गीक्स फॉर गीक से प्रिपेयर किया, गीक्स फॉर गीक से काफ़ी क्वेश्चन किए, लीड कोड से भी प्रिपेयर किया। साथ ही कोड फोर्स ज़रूर करना चाहिए, हर एक हफ्ते में आपको मिनिमम 4 कोडिंग
कॉम्पिटिशन ऑन कोड फोर्सेस करने चाहिए, उससे आपकी इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स एंड आपकी जो डेटा आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स है, आपकी कोडिंग स्पीड है, वो काफी इम्प्रूव होगी आपके कोड फोर्सेस करने से। मयूर, प्रोजेक्ट पे जब आपका डिस्कशन हुआ था तो आपके रिज्यूमे में कितने प्रोजेक्ट थे और आपने उस उन्होंने उसमें क्या क्या पूछा, कितनी इन डेप्थ नॉलेज पूछी? सो बेसिकली मेरे रिज्यूमे में जब मैं प्लेसमेंट सीजन के लिए बैठा था, एट दैट टाइम मेरे रिज्यूमे में 3 प्रोजेक्ट्स थे एंड 2 प्रोजेक्ट्स वॉज ऑन वेब एप्लीकेशन। तो मैंने दो वेब एप्लीकेशन बनाई थी यूजिंग जैंगो एंड HTML CSS JavaScript। सो वो 2 प्रोजेक्ट्स थे एंड थर्ड प्रोजेक्ट वॉज ऑन ML मशीन लर्निंग एंड NLP। तो उसमें मैंने बेसिकली न्यूज क्लासिफिकेशन की थी यूजिंग डिफरेंट क्लासीफायर्स लाइक SVM एंड बेस एंड KNN। एंड फर्स्ट तो मेरे प्रोजेक्ट्स थे वो मेरे वेब एप्लीकेशन में थे, जिसमें हमने पूरा बेसिकली मेरी वेबसाइट का आर्किटेक्चर बनाया था, हमने पूरा डेटाबेस स्कीमा डिजाइन किया था, फ्रंट एंड पूरा डिजाइन किया था। सो ये मेरे दो तीन मेजर प्रोजेक्ट्स थे जो मैंने अपने रेज्यूमे में इंक्लूडेड थे। साथ ही एक मेरा इंटर्नशिप एक का प्रोजेक्ट था। तो मेरे रेज्यूमे में टोटल 4 प्रोजेक्ट्स थे। तो फ्लिपकार्ट के राउंड में इंटरव्यूअर ने मेरे को कहा कि आप अपना कोई भी एक प्रोजेक्ट बताओ। तो उन्होंने कहा कि आप अपना पर्सनल प्रोजेक्ट भी बता सकते हो, आप अपना इंटर्नशिप प्रोजेक्ट भी बता सकते हो, जो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट है वो बताओ। तो मैंने अपने इंटर्नशिप प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन किया था, साथ ही उसके बाद मैंने अपना एक पर्सनल प्रोजेक्ट के बारे में भी डिस्कशन किया था, जिसमें उन्होंने मेरे से मेरे डेटाबेस का स्कीमा पूछा था, मेरे से मेरा MVC मॉडल के बारे में पूछा था कि क्या होता है, सारे मेरे वेबसाइट के फीचर्स पूछे थे कि क्या इनपुट देना होता है, क्या आउटपुट आता है, पीछे जो मैंने BFS का ग्राफ्स का एल्गोरिथम यूज किया था उस एल्गोरिथम के बारे में पूछा था, उस एल्गोरिथम को पेपर पे लिखवाया था कि क्या मैंने एल्गोरिथम यूज किया है, साथ ही ये सब काफी चीजें पूछी थी। तो बेसिकली प्रोजेक्ट के बारे में पूरा 100% पता होना चाहिए। उसके बाद पूछा था कि आपने क्या प्रॉब्लम फेस की जो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी एंड आपने वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया, तो उससे पता चलता है कि आपने जेन्युइनली ये प्रोजेक्ट किया है कि नहीं किया। तो बेसिकली आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूरा प्रिपेयर्ड होना चाहिए। थैंक यू मयूर, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एंड अगर आप इंटरव्यू के लिए स्क्रैच से तैयारी कर रहे हैं, एकदम बिगनिंग से तैयारी कर रहे हैं एंड आपको गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, तो आप सर की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने भी सर के अंडर अपना मशीन लर्निंग वाला न्यूज़ क्लासिफिकेशन वाला प्रोजेक्ट सर की गाइडेंस में ही किया था, जिसकी मेरे को काफ़ी हेल्प हुई मेरे रेज्यूमे में, मेरे इंटरव्यूज में। एंड सर की क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप वहाँ पे क्लासेस का लिंक भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे साथ मयूर वैद, जिन्होंने अपना फ्लिपकार्ट का ऑन कैंपस एक्सपीरियंस शेयर किया। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इसके अलावा अगर आपको फ्लिपकार्ट से रिलेटेड ऑन कैंपस इवन ऑफ कैंपस भी जानकारी चाहिए हो, तो मयूर वैद का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसको डायरेक्ट कमेंट करके आंसर पूछ सकते हैं।